चलिए एक और निम सेट के टॉपर से मिलते हैं रिदम से, जिसकी रैंक है ऑल इंडिया 154 और साथ साथ इनका सीयूटी में भी 250 मार्क्स थे। तो रिदम, सबसे पहले आपको इन दोनों नंबर सीयूटी के टॉप रैंक नंबर के लिए और निम सेट की 154 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। सर आपके कारण ही पॉसिबल हुआ ये सर। अब बेटा देखो, इम्पीटस का तो एक सपोर्ट है, पर आपकी अपनी मेहनत है, और सबसे अच्छी बात है कि आपके सीयूटी में 250 मार्क्स थे। आपको वहां पर चाहते तो आप डीयू या कोई भी कॉलेज में जा सकते थे, पर ड्रीम आपका एनआईटी था, और अल्टीमेटली आपने एनआईटी में भी बहुत अच्छी रैंक अचीव की। तो रिदम, मुझे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो इंटायर, आप कोलकाता से हो, आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है, कब आपने सोचा और फिर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, और क्या आपका स्टडी रूटीन रहता था? तो सर आपको तो पता है कि मेरा ये ड्रॉप ईयर था, तो हाँ टेक्निकली मेरा ये ड्रॉप ईयर था, पर मैं इनसेट के लिए पहले बार अपीयर हो रहा था, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर फाइनल ईयर के साथ तो प्रिपेयर कर नहीं पाया, और मैंने रजिस्टर भी नहीं किया क्योंकि प्रिपरेशन अच्छा नहीं था। पर मेरे को इनसेट के बारे में बहुत पहले से पता था, क्योंकि जब मेरा जेईई मेंस क्लियर नहीं हुआ तो बहुत दुख था कि एनआईटी आईआईटी तो नहीं हुआ। फिर मैं सोच रहा था कि अगर कोई और ऑप्शन हुआ, क्योंकि तब मेरे जॉब लेने का इच्छा नहीं था, तो मैं सर्च कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था गेट से हम आईटी जा सकते हैं, पर उसके लिए बीएससी एमएससी करना पड़ता है। तो मैं सर्च ओके करते करते एक और ऑप्शन मिला रीसेट एमसीए, जिससे हम बीएससी के बाद ही जा सकते हैं। तो मैंने तो सोच लिया था कि बहुत जोश से पढ़ूंगा फर्स्ट डे के साथ, तो उस टाइम तो मैंने पढ़ाई शुरू भी कर दिया था, पर वो लॉकडाउन शुरू हो गया, कॉलेज ऑनलाइन हो गया, तो जोश भी धीरे धीरे से खत्म हो गया और आलस आ गया, तो 2 साल पूरा वेस्ट हो गया मेरा। तो थर्ड साल में मुझे एक और बार लगा था कि मैं प्रिपेयर करूं, पर वो उस टाइम कॉलेज खुल गया था, और तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का प्रेशर था, फाइनल ईयर प्रैक्टिकल का वो सब प्रेशर था, तो मैं कर नहीं पाया। फिर मैंने सोच भी लिया था कि मैं एमएससी करूंगा, एमसीए को जाने दो, एक बार नहीं हुआ दूसरी बार भी नहीं होगा। तो ठीक है। फिर जब फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम हुआ, मैं दो दो दिन 3 दिन के लिए घर बैठा था, तो तब आंखें खुली कि ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर मैं नीसेट के बारे में एक और बार सोचा, तो मेरे दो दोस्त भी थे जो पिछले साल मेडिकल कोर्स से जुड़े हुए थे, तो उन लोग का उस साल नहीं हुआ था, इस साल उन दोनों का हो गया, तो हम तीनों एक साथ आपको कॉल किया और डॉक्टर्स कोर्स में ज्वाइन कर लिया। फिर तो सर आपको फॉलो किया, अच्छे से एग्जाम दिया, और एक साल बाद इतना अच्छा रैंक आया, तो आपके सामने बैठे थे। तो रिदम, ये बताओ कि आपका इम्पिटस के साथ कैसा, आपने मुझे याद है ड्रॉपर बैच ज्वाइन किया था, पूरे साल बहुत रेगुलर रहे, इनफैक्ट व्हाट्सएप पे भी हम कनेक्ट रहते थे, आपसे बीच बीच में बात भी होती रहती थी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? तो एक्चुअली मेरे कोचिंग के साथ तो शुरू से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैंने 11-12 में फिफ्थ जी ज्वाइन किया था, तो उधर से मेरे कोचिंग के साथ बहुत खराब एक्सपीरियंस था, क्योंकि 2 साल पूरा मेरा वेस्ट किया उन लोगों ने और मेरा पढ़ाई नहीं हुआ। तो मैं कोचिंग ज्वाइन करने में थोड़ा मेरा डाउट, और इम्पिटस ज्वाइन करने के बाद, एक क्लास होने के बाद मुझे कोई डाउट नहीं रहा कि मैं ठीक ट्रैक पर हूँ, और मैं 1 साल बहुत मेहनत किया, टाइमली एग्जाम दिया, आपको मार्क्स भेजता रहा और अच्छा रैंक कर दिया। बिल्कुल सही बात है, कभी कभी हमारा बैड एक्सपीरियंस भी होता है, कभी कभी गुड एक्सपीरियंस भी होता है, और मेरा मानना यह है कि इम्पिटस में बच्चे अच्छा पढ़ा परफॉर्म करते भी हैं, रिजल्ट भी लाते हैं, हम अच्छी एजुकेशन भी देते हैं, पर मेरा ये मानना है कि बच्चा जब इम्पिटस से जुड़े तो उसकी लाइफ का सबसे डिफरेंट और अलग तरह का एक्सपीरियंस हो, पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ भी सीखे, और वो आई होप कि आपने सीखा भी होगा, तो ये अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, जब आपने इस साल पेपर जब आपके पास आया निम सेट का स्पेशली, तो थोड़ा पैटर्न चेंज था, तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में फीलिंग थी, और क्योंकि ड्रॉप ईयर था तो किसी तरह का कोई प्रेशर था कि नहीं था? वैसे तो सीयूटी के नंबर से आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप था पहले ही, तो एक प्लस पॉइंट तो कहीं ना कहीं था, पर कहीं क्या एक्सपीरियंस रहा आपका एग्जामिनेशन हॉल में? सर ड्रॉप ईयर का तक प्रेशर रहता ही है कि 1 साल अगर नहीं हुआ तो दूसरे साल तो एक और साल खराब हो जाएगा, पर वो सब अगर माइंड में रहे तो एग्जाम अच्छे से नहीं जाता था। तो और सीयूटी मेरा बैकअप ऑप्शन था, इसलिए मैं वो बिना सोचकर देने गया था। ये तो मेरा मेन ऑप्शन था, सीयूटी बैकअप था, डीयू तो मिल गया था। तो इस बार पैटर्न चेंज था कि मैथ्स में 70 मिनट्स, एलआर में 30 मिनट्स, तो मैथ्स के लिए मुझे लगा कि बहुत ही टाइम था, क्योंकि जब टाइम कॉन्स्टेंट नहीं भी रहता था तो कोई मैथ्स में 70 मिनट मुझे नहीं लगता था कोई देता था, 1 घंटा मैक्स देता था, तो मैथ्स के लिए टाइम अच्छा था, और एलआर में टाइम तो कम लगा है सबको, पर मेरा एलआर कंपेरेटिवली अच्छा रहा पूरा साल, मार्क्स अच्छा आता था, तो एलआर में मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, और
मेरा एग्जाम सेंटर में मेरा सिस्टम भी आधा घंटा बाद में लॉगिन हुआ तो मेरे थोड़ा पैनिक हो गया था, उसके लिए मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा ड्रॉप पड़ गया, पर फिर भी अच्छा गया वो एग्जाम। अगर आपका आधा घंटा मुझे बताया था आपने, अगर आधा घंटा वो ड्रॉप नहीं होता तो आई थिंक आपकी रैंक जो 3 डिजिट की है ना, वो 1 या 2 डिजिट की रैंक होती। मैं श्योर हूँ क्योंकि मैंने आपकी परफॉर्मेंस देखी है। अच्छा ये बताओ, टेस्ट पेपर एनालिसिस को किस तरह से करते थे? क्योंकि कई बच्चे हैं ना टेस्ट पेपर एनालिसिस पर ध्यान नहीं देते, और जब स्कोर अप डाउन होते थे तो उसका मैनेजमेंट क्या था? अच्छा, टेस्ट एनालिसिस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका टेस्ट सीरीज मुझे बहुत हेल्प किया है। पर्सनली मुझे तो क्लास से और नोट से ज़्यादा सीखने को मिला है टेस्ट सीरीज से ही। और मुझे टेस्ट से याद बहुत है कुछ चीजें मेरे सीखते दो हैं हम। हाँ सर, तो मुझे याद है मेरे फर्स्ट 2-3 महीने में मार्क्स तो 300-400 भी नहीं आते थे। उस टाइम तो बहुत स्ट्रेस डिमोटिवेशन आता था, पर मैंने सोचा कि ये सब स्ट्रेस करने में तो मतलब नहीं है, तो 1 साल फिर से बिगड़ जाएगा। तो मैंने रिलैक्स के साथ मैं पेपर एनालाइज करते गया, पेपर रेगुलरली देता गया। एक पेपर को मैं चाहे 1 हफ्ता भी हो, 1 हफ्ते से 1 हफ्ता भी पूरा मैं एनालाइज करता था। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि नीमसेट के पहले आखिरी 2-3 महीने में मेरा 600 के नीचे जाता ही नहीं था। मतलब तब पेपर में भी मेरा 600-650 आता था, और इस पेपर में तो 700+ रेगुलरली आता था। तो सर इम्प्रूवमेंट होता है, लोगों को लगता है कि इम्प्रूवमेंट दिखता नहीं, 1 हफ्ते में तो नहीं दिखेगा, शायद 2-3 महीने में भी नहीं दिखेगा, पर 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है, तो 1 साल में तो बिल्कुल 100% आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा ही दिखेगा। सही बोला। अच्छा आप ये बताओ आपकी इस बार का स्कोर कितना था? ये 154 रैंक पर अक्सर बच्चे पूछते हैं, और कई बार मैं पूछना भूल जाता हूँ स्कोर, तो वो फिर बच्चे लिखते हैं कमेंट्स में भी कि स्कोर स्कोर अगर स्कोर 504 था सर, 504, 504। ओके, और इसमें यस। मैथ्स में कितना स्कोर आया आपका? तो मैथ्स थोड़ा लो हो गया था, 240। ओके, पर LR में आपका स्कोर अच्छा था। एलआर मेरा बड़ा बड़ा अच्छा था, तो उसके वजह से मेरा रैंक अच्छा हो गया। वेरी गुड। तो रिदम ये बताओ आप अपने जूनियर्स को क्या स्पेशली मैसेज देना चाहोगे? इनफैक्ट आपने फर्स्ट ईयर से अगर सीरियसली पढ़ा होता तो खैर ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ता, बट एनीवे, तो आपका अपने जूनियर्स को क्या मैसेज होगा, स्पेशली जो बच्चे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हैं, और ये अगर कोई ड्रॉप लेना चाहता है तो उसके लिए आप क्या मैसेज दोगे? ड्रॉपर्स के लिए तो यही बोलूंगा कि आप अगर ड्रॉप ले रहे हो तो ड्रॉप लेने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 100 बार या 1000 बार सोच लो कि ड्रॉप लेना चाहिए नहीं, आप 1 साल मेहनत से पढ़ सकोगे या नहीं, तो आपके पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर लो, क्योंकि बहुत पेरेंट्स अलाउ नहीं करते। तो आप सोच लो, पर अगर आप 50% श्योर हो कि आप ड्रॉप लेते हो, तो उसके बाद मत सोचो कि आपका 1 साल क्या होगा। तो आप 1 साल पढ़ो, तो हार्ड वर्क तो दिखता ही है। और अगर आप कॉलेज में हो या फाइनल ईयर में हो, तो पढ़ाई शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि आप क्रैक कर सकते हो, तो पढ़ाई शुरू कर दो, वरना बहुत चुपता है फाइनल ईयर के बाद में। मैं भी सोच रहा था कि अगर शायद पढ़ लिया होता तो 1 साल बर्बाद नहीं होता, सही बात है, पर जो होता है तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता बाद में चलता है। सर, तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको तो लगता है कि क्रैक कर सकते हो, तो 1st ईयर से ही पढ़ाई शुरू कर दो। बिल्कुल सही बात है रिदम। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई, और अब आप NIT में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करो और लाइफ में ऐसे ही आगे रहो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू।